फौजी ने कानपुर एसएसपी कानपुर से लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व चकेरी थाना क्षेत्र अहिरवा चौकी इलाके के यादव नगर में दबंग शिवा कुशवाहा ने फौजी व उसकी पत्नी के ऊपर किया था जानलेवा हमला, जिसमें पुलिस ने सत्यता न दर्शाकर धाराओं में किया था खेल। फौजी की पत्नी ने आरोप लगाया था कि दबंग शिवा कुशवाहा ने छेड़छाड़ करते हुए गले से सोने की चैन तोड़ी थी। मामले के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं हुई आरोपी दबंग शिवा कुशवाहा की गिरफ्तारी। पीड़ित फौजी व उसकी पत्नी का आरोप है कि चकेरी पुलिस ने आरोपी दबंग शिवा कुशवाहा पर मामले में सही तरह से नहीं की कार्यवाही। वहीं आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले की शिकायत फौजी व उसकी पत्नी ने कानपुर एसएसपी महोदय से की। एसएसपी महोदय ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के दिए आदेश। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तेज बोलिए मैडम। मतलब आए दिन वो लोग ऐसे गुंडागिरी करते रहते हैं, हम लोग मतलब गली के गुंडे ही हैं। आप समझे मुझे उन लोगों से मतलब ज्यादा कुछ तो हम जानते नहीं है। एक का नाम है शिवा कुशवाहा, उनके पिताजी का नाम है अरविंद कुशवाहा। ये लोग अचानक ही 8-10 घंटों के साथ आए और हमारे मतलब मेन गेट तोड़ के और गाली गलौज करने लिए और उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर दिए। सरियों से मेरे ऊपर वार किया, मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ने लगे। उसके बाद फिर क्या नाम है अब हत्या करने लगे मेरे साथ। फिर मेरे जो मजदूर था उसके सर उसका सर तोड़ दिए और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी क्या नाम है उन्होंने बहुत मतलब वार किया और मतलब बहुत बुरी तरीके से मतलब वहाँ पर बेहोश हो गई। मैं मतलब जब मुझे चोट लगी तो मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस के आने से वो लोग भाग गए वहाँ से और फिर मैं वहाँ थाने गई। वहाँ पर दो घंटे मैं तो बोल रही थी, मेरी दीदी का लड़का था उससे जो पुलिस ने लिखवाया उसने अपना बयान जो दिया वो लिखवाया वो किया, मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरे गले की चैन तोड़ ली और मेरे अंगली मोड़ती थी वो सब निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या उसमें। लेकिन FIR में कुछ नहीं लिखा नहीं गया है। मैंने अपने FIR में क्या साधारण मुकदमे लगाए गए हैं वो जो उसको साधारण पेश किया गया है, जो FIR लगे हैं वो धाराएं वो जो है वो मतलब सही नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वो घटित हुआ है वो उसमें नहीं है। तो क्या इस विषय में आपने थाना महोदय या प्रशासन से कोई बात? मैंने SC ऑफिस में बताया तो बोले वो आप जाइए, आप SSP ऑफिस जाइए वहाँ पे आप बताइए। अब उसके बाद तो क्या आपने SSP ऑफिस में क्या ज्ञापन? मैं SSP ऑफिस आई है अभी, वहाँ पे मैंने कम्प्लेन की है। अब आगे देखिए कार्रवाई क्या होती है। अगर प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से बस मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा न्याय चाहिए जबकि मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि किस वजह से आए। बस वो लोग चिल्ला रहे थे कि जब घर में घुस गया कि मेरा घर खाली करो, मेरा घर खाली करो, ये घर मेरा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मैं वहाँ रह रही हूँ 1.5 साल से और मेरे हस्बैंड हम लोग कितने एक आने वाले की वाइफ होगी। अगर मुझे तो आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे गुहार करूँ न्याय? क्या मामला है? क्या मामला है? भैया मामला ये है कि मैंने यादव नगर के अंदर 18 साल की कमाई से मेहनत का घर बनाया और मैं पैसे से फौजी हूँ। मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, सुरक्षित देश को सुरक्षित रखने के लिए। और यहाँ एक महीने के लिए अगर मैं छुट्टी आया हूँ, यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जो ये बोलते हैं कि मकान मेरा है और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और अचानक से आए, मेरे घर का गेट टूटा और मेरे घर पर मजदूर था उसके सर पे हमला किया, मेरे ऊपर हमला किया और मेरी वाइफ के ऊपर हमला किया। उसके साथ अब बता कि नीच ताकि हाथ तोड़ दिया उसका और प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया और सरिया डंडे कट्टे से मारना शुरू कर दिया 7-8 लोग। हम पूछ रहे भैया क्या हो गया, क्या बात है? बोला ये घर मेरा है, आप इसे खाली करो। मैं फौजी आदमी अगर देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो यार मेरे बीवी बच्चों को कौन सुरक्षित रखेगा? ये सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि अगर हम एक महीने के लिए आए हैं तो हमें यहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारे बीवी बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और घर बनाने के लिए मैंने अपना फंड निकाला, बैंक से लोन लिया, उससे मैंने घर बनाया ताकि मेरे बीवी बच्चे सुरक्षित रहें, आराम से अपने घर पर रहें। और वो भी ये गुंडे लोग शिवा कुशवाहा और उसके पिताजी फूफा वगैरह सब, उसके पिताजी का नाम अरविंद कुशवाहा है, आके मारपीट आए दिन मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अभी मीडिया के ही थ्रू मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगा रहे हैं कि मैंने उनके माँ बहन भाई झगड़ा उनको मारा, जबकि उन्होंने हमें मारा। हम तीन आदमी थे, हम किसको मारेंगे? मैं तो अपनी बीवी को ही देख रहा था जब इसको मार पीट रहे थे और मुझे मार पीट रहे थे, इसको बचाने के चक्कर में घूम रहा था।
गले पे इसने चैन पहन रखी थी उसको तोड़ के ले गए, हाथ में अंगूठी पहन रखी थी उसको तोड़ के ले गए, और ये बेहोशी की हालत में थी। चौकी में मैं बाद में पहुंचा हूँ, मेरे साढ़ू का लड़का है 15-16 साल का, वो लेके आगे पहुंच गया था। तो वहां के चौकी इंचार्ज साहब ने जाके, जब पुलिस गई है तब तो मेरी जान बची, वहां पे पुलिस पहुंची है तब वो हमको छोड़ के भाग गए। तो आप प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि वो जाए, उचित न्याय करे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, अगर वो लोग गलत हैं तो उनको सजा दे, बस मैं यही चाहता हूं, और मेरे को उचित न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।